हरि ओम। NIOS के योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे अष्टांग योग की। अष्टांग योग आपके पाठ्यक्रम के यूनिट 2 का भाग है। अष्टांग योग, जैसा कि नाम से तात्पर्य होता है, इसमें 8 अंग हैं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है, इसीलिए इसे पतंजलि योग भी कहते हैं और यह राजयोग भी कहलाता है। जैसे कि हमने चर्चा की कि अष्टांग योग में 8 अंग हैं और ये महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है। तो अष्टांग योग के 8 अंग हैं। पहला है यम, दूसरा अंग है नियम। हम लोग यम नियम की चर्चा पहले कर चुके हैं। तीसरा अंग है आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, इनकी चर्चा हम आज करेंगे। उसके बाद और बाकी के 3 अंग हैं, यह धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो आप देख रहे हैं शुरू के जो ये 5 अंग हैं, यह बहिरंग योग कहलाते हैं। और उसके बाद के जो 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग योग कहलाते हैं। जैसा कि तात्पर्य हो रहा है हमें शब्द से ही, बहिरंग योग ये हमारे व्यक्तित्व के सामाजिक और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक इन पहलुओं को देखता है। और जैसा कि है अंतरंग योग, ये हमारे आंतरिक अनुभूति की ओर हमें ले जाता है। और हम प्रत्याहार के बाद, धारणा, ध्यान के बाद हम समाधि की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार से यह 8 अंग पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है। किसी भी योग साधक को यह सारे अंग का अभ्यास करना चाहिए। और जैसा कि ये हमें समझाया गया है कि हम बारी बारी से इस पे अभ्यास पे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम प्राणायाम या प्रत्याहार से शुरू करें। हमें यम नियम के शिक्षा को अपनाना है, जो कि सामाजिक है। यम सामाजिक शिक्षा बताते हैं, नियम हमारे अपने अनुशासन के विषय में बताते हैं, आसन प्राणायाम हमारी एक तकनीक है, अभ्यास है, प्रत्याहार भी एक अभ्यास है और एक इसको स्थिति के रूप में भी लिया जा सकता है। उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार सारे जो अंग हैं, ये सारे जो स्टेज हैं, बारी बारी से हमें अपने अभ्यास में या अपने जीवन में इसे अपनाना है और हम इस तरह से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होंगे। तो आइए, जैसा कि आज के पाठ्यक्रम में हमें चर्चा करना है, हम लोग सबसे पहले आसन के विषय में चर्चा करेंगे। यम नियम की जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। आसन, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, इस शब्द से पहले इसका हम शाब्दिक अर्थ समझें। आसन से तात्पर्य होता है एक स्थिति, एक शारीरिक स्थिति। तो जब हम लोग अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, पतंजलि योग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने आसन को परिभाषित किया है स्थिरम सुखम आसनम, मतलब एक स्थिर और सुख की स्थिति आसन कहलाती है। यहाँ तात्पर्य है आसन से उस ध्यान की स्थिति का। और इसमें केवल एक आसन को ही समझाया गया है विशेष रूप से, वह है ध्यान की स्थिति, सिद्ध आसन को, सिद्ध और सिद्ध योनि आसन को, जिससे कि हम ध्यान की स्थिति में या प्राणायाम की स्थिति में उस आसन में हम आराम से बैठ सकें स्थिर पूर्वक और आगे की जो हमारे अंग हैं उन अभ्यास को साध पाएँ। लेकिन आसन का तात्पर्य बृहत है। जैसे कि आसन से कुछ लोग यह भी मतलब लगाते हैं कि जो बैठने के आसन होते हैं, जिस पे लोग बैठते हैं। तो अगर हम योग में आसन की चर्चा करें, सिर्फ हम अभी अष्टांग योग की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम योग के संदर्भ में आसन की चर्चा करें, तो आसन से तात्पर्य होता है एक शारीरिक स्थिति। और हर एक अवधारणा में इसको अलग अलग ढंग से समझाया गया है। हम लोगों ने पतंजलि योग की अवधारणा से तो समझ ली आसन को कि यह एक ध्यान में बैठने की स्थिति है। लेकिन यदि हम हठ योग की ओर बढ़ते हैं, तब हमें ये पाते हैं कि आसन जो है वो विभिन्न स्थितियां हैं, शारीरिक स्थिति है। और आसन के अभ्यास से हम उच्च स्तर की चेतना को प्राप्त कर पाते हैं। यह हठ योग की अवधारणा है। हठ योग में आसन का जो विवरण है वह 84 लाख माना गया है। और यह भी माना गया है कि 84 लाख योनि होता है, हमारा इनकार्नेशन है।
और उतने ही आसन हैं। और इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम उस आसन को साध लें उतने, तो जो हमारे जो जन जनांतर की जो ये क्रिया है इसको हम साध पाएंगे। और उन 84 लाख आसनों में 84 आसन महत्वपूर्ण माने गए हैं। और यहाँ तक कि हठ योग प्रदीपिका में 32 आसन को मूल माना गया है और उसकी व्याख्या की गई है। एक और विशेष बात आसन के विषय में, हम ऐसा देखते हैं जब हम विभिन्न आसनों को की बात करते हैं, उसको समझते हैं, यह कहीं ना कहीं हमें एक इवोल्यूशन को दर्शाता है। जैसे कि हमारा है, पहले रेप्टाइल्स में आते हैं, फिर हम उसके पहले भी जल में जीवन का विकास होता है, फिर जल और थल दोनों में होता है जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं। तो उस प्रकार से हम आसन के क्रम को देख सकते हैं। तो यह एक हमारे जीवन के इवोल्यूशन को, जो हमारे जीवन में हम अपने अध्यात्म की ओर कैसे अग्रसर बने होंगे उसकी एक यात्रा को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार आसन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग के अभ्यास हैं। और आज जो इन दिनों योग हर जगह व्यापक होता जा रहा है उसमें लोग आसन को ही मुख्यतः योग का अंग मानते हैं। और हमें एक बहुत ध्यान देने योग्य बात यह समझनी होगी कि आसन का जैसे हमने जिक्र किया कि ये स्थिर और सुख की अनुभूति है, लेकिन कुछ आसन जो हैं वो डायनेमिक भी होते हैं। हठ योग में इसका बहुत वर्णन है कि वो उसको शारीरिक गतिविधि के द्वारा किया जाता है। और यह जो आसन हम करते हैं तो इससे जो हमारी प्राणिक ब्लॉकेज है, हमारे अंदर जो प्राण का प्रवाह होता है उसमें जो अवरोध है हम उसको दूर कर पाते हैं। तो इस तरह से डायनेमिक जो आसन है उसका लाभ होता है। और वो भी आसन हमारे जो हठ योग की जो शास्त्र हैं उसमें उनकी व्याख्या की गई है। आसन एक्सरसाइज नहीं है। यहाँ हम संक्षेप में समझ लें कि यह किस तरह से आसन, योगासन एक्सरसाइज से अलग है। जब हम योगासन करते हैं तो हमारा मुख्य केंद्र होता है शारीरिक गतिविधि, हमारी चेतना, श्वास प्रश्वास की क्रिया। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसे मैकेनिकल रूप से करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम आसन करते हैं तो वहाँ हमारा सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया, हमारी चेतना, हम क्या कर रहे हैं वो, उस पर हमारा पूरा मानसिक इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसका प्रभाव भावनात्मक स्तर पे भी पड़ता है। जिस प्रकार से कि हम अभी एक चर्चा करें कि जब हम बैकवर्ड बेंडिंग भुजंगासन करते हैं या धनुरासन करते हैं तो उस समय हमारा जो है वो एक बोल्ड एंड एक्सट्रोवर्ट वाली विचारधारा है, भावनाएँ आती हैं। और जब हम शशांक आसन करते हैं तो हमारे अंदर एक सरेंडर की भावना आती है। तो आसन जो है वो भावना से जुड़ा हुआ है, यह सिर्फ शारीरिक गतिविधि ही नहीं है। और आसन के जो कुछ प्रमुख लाभ हैं हम उसके बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लें। आसन हमारे शारीरिक मांसपेशियों का और इंटरनल ऑर्गेन्स जो हैं उसकी एक मसाज करता है। हमारे जितने ग्लैंड्स हैं शरीर में, बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये उनके फंक्शंस को ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करता है कि जो उनके बिल्कुल सही लेवल है उस अंग के कार्य करने की क्षमता जो है उसको बिल्कुल सही स्तर पे रखता है। दूसरी बात, आसन से जो हमारे मन की जो कुछ गुत्थी होती है जिसको बोलते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसका एक शरीर पर प्रभाव होता है, वो मस्कुलर नॉट्स होता है, हमारे शरीर में गांठें हो जाती हैं, स्टिफ हो जाता है बॉडी। जब हम अपने शरीर की स्टिफनेस को जब हम रिलीज़ कर पाते हैं तो हम अपने मन की गुत्थी को भी रिलीज़ कर पाते हैं। इससे प्राण का प्रवाह भी सही रूप से होता है, हमारे अंदर शारीरिक क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है और एक हम बिल्कुल स्वच्छ और ऊर्जावान होकर के अपने जीवन का लाभ उठाते हैं। अब हम लोग प्राणायाम की चर्चा करते हैं जो कि चौथा अंग है। प्राण क्या है पहले यह समझना होगा। प्राण एक जीवन शक्ति है। प्राण का प्रवाह हमारे अंदर होता है, बाहर भी होता है। और हम प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की तकनीक है ये, इसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया के द्वारा हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राण एक जैविक शक्ति है। आयाम इसका एक्सपेंशन है, इसका विस्तार करना, इसको पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को उनके विभिन्न नाड़ियों में उसके प्रवाह को विस्तार करना और उसका सही विस्तार, उसको चैनलाइज करना, यह प्राणायाम के द्वारा हम कर पाते हैं। एक संक्षिप्त रूप से आपको हम प्राण की व्याख्या कर दें या उसको समझा दें कि जब कोई नवजात शिशु
अपनी माँ के गर्भ में अगर शिशु है तो उसके अंदर प्राण का प्रवाह है, और जब वो जन्म लेता है तब उसके अंदर श्वास का प्रवाह होता है। तो यह एक बहुत ही सीधा सा एक उदाहरण है कि प्राण और श्वास में क्या फ़र्क है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि श्वास के प्रश्वास की क्रिया के द्वारा प्राणायाम तकनीक कर पाते हैं, तो इसमें जो महर्षि पतंजलि ने जो इसको डिफाइन किया है, जो परिभाषित किया है, यह है कि स्थिर शरीर के अंदर सुख की अनुभूति हो जब हम आसन को साध लें, तो श्वास प्रश्वास की कंफर्टेबल जो हमारी श्वास प्रश्वास का जो प्रवाह है उसमें कुंभक को आरामदायक स्थिति में रोक पाना। इसको मैंने विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करके बताया, इसका पूरा सूत्र है कि जब हम अपने श्वास प्रश्वास की प्रवाह में कुंभक होता है रिटेंशन, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, उसको आरामदायक रूप से थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल कंट्रोल ऑन ब्रेथ रिटेंशन, यह प्राणायाम की उपलब्धि है पतंजलि के अनुसार। तो हम पहले इसको कुंभक को समझें, तो प्राणायाम के चार घटक हैं, उसमें है रेचक, कुंभक और श्वास का लेना, श्वास का छोड़ना, अंतःकुंभक, बहिर्कुंभक। जब हम श्वास लेके रोकते हैं तो अंतःकुंभक कहलाता है, और जब हम श्वास छोड़ के फिर रुकते हैं, दूसरे श्वास, एक श्वास लिया और दूसरे श्वास के बीच की जो के जो गैप है उसको बहिर्कुंभक कहते हैं। तो ये प्राणायाम के चार घटक हैं। और वैसे तो हठ योग में बहुत प्राणायाम की चर्चा की गई है, लेकिन अष्टांग योग में और कोई विशेष प्राणायाम की चर्चा नहीं की गई है। जो मुख्यतः प्राणायाम की चर्चा की गई है उसमें है महत्वपूर्ण नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भास्त्रिका, सूर्यवेदी, इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं जिसको हम लोग प्राणायाम के यूनिट में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है प्रत्याहार। जैसा कि हमने बताया कि अंतरंग योग और बहिरंग योग, तो प्रत्याहार जो है हम देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट फेज है, बीच का स्टेज है। प्रत्याहार के बाद है धारणा, ध्यान, समाधि। तो यह एक गेटवे है, ये द्वार है अंतरंग योग की ओर अग्रसर होने का। ये द्वार कैसे है, तो प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉल फ्रॉम एक्सटर्नल सेंसेस। जो हमारी संवेदनाएं हैं, जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों से संवेदना को ग्रहण करते हैं, तो उस पर अवरोध करना, उसको रोक देना, मतलब हम बाहर से बिल्कुल अब कट गए, और अपने मन को बाहरी संवेदनाओं से हटाकर जब हम अंदर की ओर ले जाते हैं तो यह प्रत्याहार की स्थिति कहलाती है। और हम जब अंतर की ओर बढ़ते हैं तो वह धारणा और ध्यान की स्थिति है। तो इस तरह से यह हमें अंतरंग योग की ओर ले जाता है। तो ये बीच का एक फेज़ है प्रत्याहार, और इससे हम अपने आप को तैयार करते हैं अंतरंग योग की ओर जाने का। और प्रत्याहार का जो अभ्यास है हम लोग जो इन दिनों करते हैं, उसमें प्रमुख हैं योग निद्रा का अभ्यास, अंतर्मौन का अभ्यास, ये प्रत्याहार के अभ्यास कहलाते हैं। इसमें हम अपने मन को ट्रेन करते हैं विभिन्न निर्देशों के द्वारा कि हम अपनी बाहरी संवेदनाओं के प्रति सजग ना रहें और अपने मन को एकाग्रचित करें अंदर की ओर, और यह हो जाती है फिर ध्यान की स्थिति। जैसा कि हमने कहा कि ये बहिरंग योग हम लोगों ने पूरा कर लिया, अब धारणा, ध्यान और समाधि, यह अंतरंग योग है। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा से हम समझते हैं एकाग्रता। जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है तो वह धारणा की स्थिति है। तो प्रत्याहार में क्या किया हमने, बाहरी विषयों से अपनी चेतना को रोक लिया, और जब उसे हम एकाग्र करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर विषय पे, तो वह धारणा होती है, वह एकाग्रता का अभ्यास है। एकाग्रता हम सबसे पहले अपने श्वास पे करते हैं। तो इस प्रकार जब हम श्वास पे अपने आप को एकाग्रचित करेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारे कुछ साइकिक सिंबल भी होते हैं, कुछ लोग फिर चक्र पे भी अपने आप को एकाग्रचित करते हैं, कुछ लोग तत्व पे एकाग्रचित करते हैं। योग में बहुत सी ऐसे अभ्यास हैं जो कि धारणा के अभ्यास हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण अभ्यास है चिदाकाश धारणा, हृदयाकाश धारणा, चक्र धारणा। इसमें हम अपने आप को एकाग्रचित करते हैं इन अभियों पर। उसके बाद आता है अगला ध्यान।
जब हम अपने आप को एकाग्रचित करते हैं तो इस एकाग्रचित जो ये स्थिति है, इसको अगर हम लंबे समय तक इस स्थिति में रह पाते हैं तो हम ध्यान को प्राप्त करते हैं। ध्यान का कोई पर्टिकुलर ऐसा अभ्यास नहीं है, ध्यान ऐसे कहावत है ना, ध्यान लग गया। जब हम धारणा का अभ्यास करते हैं तो ये पूरा आउटकम है, एक प्रतिफल है। हमने जो अभी तक अभ्यास किया उसके बाद ये हमें अभ्यास का प्रतिफल के रूप में ध्यान को हम प्राप्त करते हैं। और ध्यान में तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई रास्ते में चल रहा है वो ठीक से गिर जाता है, तो हम बोलते हैं कि ध्यान से चलो। वहाँ ध्यान का तात्पर्य है सजगता। अगर कोई पाठ बच्चा याद करता है, उसे याद नहीं हो रहा होता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं ध्यान से पढ़ो। वहाँ ध्यान का तात्पर्य है एकाग्रता। और योग में ध्यान का तात्पर्य है कि आप एकाग्रचित हो रहे हैं सजग रूप से और आप उसी में स्थित हो रहे हैं, तो वह ध्यान की स्थिति है। उसके बाद आती है समाधि की स्थिति। यह बहुत उच्चतम स्थिति है, इसे हम सेल्फ रियलाइज्ड स्टेट भी कहते हैं। समाधि का एक ये तो बहुत उच्च स्थिति है, इसके विषय में व्याख्या करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको एक इस विषय वस्तु के रूप में समझा जा सकता है। जब आपके अंदर आप अपने स्वयं की स्थिति को, अपने स्वयं के एग्जिस्टेंस को भूल जाएं और आप अपने जो ध्येय है जिस पर आप ध्यान कर रहे थे, समाधि ध्यान के बाद प्राप्त होती है, आप उसमें विलीन हो जाएं। कोई परमात्मा पे ध्यान करते हैं, कोई अपने गुरु पे ध्यान करते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो विलीन हो गए अपने ध्यान में, तो यह समाधि की स्थिति है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह हमें एक यात्रा प्रदान करता है जब हम सूक्ष्म से, स्थूल से सूक्ष्म को प्राप्त करते हैं। व्यक्तित्व के सामाजिक घटक से हम बिल्कुल अपने अंतरात्मा तक पहुंच पाते हैं, और यह हमें एक संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने का भी एक टेक्निक है। जैसे कि WHO में हमारे ने उन्होंने इसको परिभाषित किया है, स्वास्थ्य को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन को पूर्ण स्वास्थ्य बतलाया गया है। तो हम देख रहे हैं कि सामाजिक हमारा हो गया यम, शारीरिक आसन प्राणायाम, मानसिक प्रत्याहार और नियम, भावनात्मक प्रत्याहार और धारणा, और आध्यात्मिक हो गया धारणा समाधि। इस प्रकार से हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं अष्टांग योग के द्वारा। तो आज की चर्चा हम अष्टांग योग की यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।